बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को अपने लोकल मशीन पर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PHP MySQL PHP MyAdmin और वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन व्यूवर्स, हमारे पास एक ऐसा कंप्लीट पैकेज मौजूद है नेट पर जिसको हम इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं और ये तमाम सर्विसेज ऑटोमेटिकली साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं। व्यूवर्स, ये पैकेज डाउनलोड करने के लिए, ये स्टैक डाउनलोड करने के लिए हम bitnami.org वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे व्यूवर्स आप देखिए आपके पास तीन मेन ऑप्शंस हैं, ऑन योर डेस्कटॉप, ऑन सर्वर और इन द क्लाउड। तो हम ऑन योर डेस्कटॉप के ऑप्शन पे जो है वो डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ वो तमाम एप्लीकेशंस आ गए हैं व्यूवर्स जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से स्टैक्स हैं, बहुत सी दूसरी एप्लीकेशंस हैं जो कि वेब बेस्ड हैं और उन्हें आप अपने लोकल मशीन पर इन स्टैक्स की मदद से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें से वर्डप्रेस चाहिए तो मैं वर्डप्रेस के इस आइकन पर क्लिक करता हूँ। व्यूवर्स, देखिए ये लेटेस्ट स्टैक है, वो वर्डप्रेस 3.6.1 फॉर विंडोज़ इंस्टॉलर, मुझे ये चाहिए। मैं इस इंस्टॉलर के बटन पर क्लिक करूँगा और मेरे पास डेस्कटॉप पे ऑलरेडी ये स्टैक जो है मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। जस्ट करना मुझे ये व्यूवर्स के इस पर डबल क्लिक करके इसके इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करना है। व्यूवर्स, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और मेरा कंप्यूटर मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, और जैसे ही मैंने यस के बटन पर क्लिक किया व्यूवर्स, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो मुझे गाइड करेगा कि मुझे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है अपने लोकल मशीन पर। प्लीज़ सेलेक्ट द इंस्टॉलेशन लैंग्वेज, मुझे इंग्लिश में इंस्टॉल करना है। मैं ओके करता हूँ, लैंग्वेज जो है इंग्लिश सेलेक्ट होगी। वो कहता है इट सीम्स यू हैव एन एंटीवायरस रनिंग इन सम केसेस दिस में स्लो डाउन और इंटरफेयर द इंस्टॉलेशन। कह रहे हैं कि जी आपके कंप्यूटर पे एक एंटीवायरस इंस्टॉल है और सम टाइम एंटीवायरस जो है रोकता है इस स्टैक को इंस्टॉल होने से, आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, क्योंकि मेरे पास एक रजिस्टर्ड एंटीवायरस है और ये मुझे यकीन है कि ऐसा करने देगा मुझे। तो मैं इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूवर्स, वो मुझे एक ऑप्शनल कंपोनेंट ऐड करना दे रहा है कि मैं PHP MyAdmin भी ऐड करना चाहता हूँ इसके साथ। ये एक ज़रूरी कंपोनेंट नहीं है लेकिन ऑप्शनल कंपोनेंट जो हमें काम आ सकता है, तो मैं इसे चेक रहने देता हूँ और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। फोल्डर जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा व्यूवर्स, सी बिटनामी वर्डप्रेस 3.6.1, यानी सी में बिटनामी का एक फोल्डर बनेगा और वहाँ पर वर्डप्रेस 3.6.1 इंस्टॉल होगा। मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। व्यूवर्स, यूज़र नेम, ये वो डिटेल मुझसे पूछ रहा है जो कि अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पे मुझे लॉगिन होने के लिए चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे वही डिटेल रखता हूँ। यूज़र नेम अवैस, पासवर्ड वही रखता हूँ जो मैंने वहाँ पर रखा ताकि हम भूल ना जाए। योर रियल नेम, अपना आप अपना असल नाम लिख सकते हैं, मसलन मैं यहाँ पर अवैस कामरान लिख देता हूँ। और ईमेल एड्रेस वो हमसे पूछ रहा है, ये एक ऑप्शनल जो है कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। व्यूवर्स, पासवर्ड में वो मुझसे ये कह रहा है कि प्लीज़ यूज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ओनली, कोई स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं एक सिंपल पासवर्ड जो है वो इसमें डाल देता हूँ। और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, टाइटल, साइट टाइटल मुझसे पूछ रहा है, जब हमने अपने वेब होस्ट पर इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस वहाँ पे भी हमने साइट टाइटल दिया था, तो यहाँ पे हम दे देते हैं सैम्पल साइट। यहाँ पे व्यूअर्स मैं बताता चलूँ कि ज़्यादातर काम मैं होस्टिंग पे करूँगा। मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि आप अपने लोकल मशीन पर इंस्टॉल करने के बाद साइट बना कैसे सकते हैं और साइट को अपलोड कैसे कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम काम करेंगे अपनी होस्टिंग पैकेज के ऊपर, होस्टिंग प्लान के ऊपर। और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। दिस इज़ रिक्वायर्ड इन योर एप्लीकेशन कैन सेंड इन्फॉर्मेशन वाया ईमेल। वो कह रहे हैं कि आप अपनी ईमेल को सेटअप करना चाहते हैं कॉन्फ़िगर ईमेल सपोर्ट, अगर हम यस कर देंगे तो हमें वो सेटअप करना पड़ेगा। ये एक ऑप्शनल कंपोनेंट है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। लर्न मोर अबाउट बिटनामी क्लाउड होस्टिंग, मैं मज़ीद लर्न नहीं करना चाहता, इसे अनचेक कर दूंगा। और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके व्यूवर्स देखिए ये कुछ फाइल्स हैं जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगी और मैं इसे वेट करता हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए इंस्टॉलेशन, और उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लोकल मशीन पर जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं इसके फ्रंट एंड और बैक एंड को किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ।